हेलो दोस्तों, नमस्कार। हो गया आपके परेशानियों का अंत और आप भी अब कर सकते हैं घर बैठे अपने खाता को एक बैंक से दूसरे बैंकों में ट्रांसफर। दोस्तों, आए न दिन हमारे कोई न कोई मित्र होते हैं जो दिल्ली, बॉम्बे, पंजाब, हरियाणा में काम करते हैं और अब वो अपने गांव या शहर में रहने लगे हैं, तो यहाँ से उनको अकाउंट को अपने ऑपरेट करने में परेशानी होती है। या अगर आप भी अपने एड्रेस चेंज करके दूसरे जगह गए हैं तो आपको अकाउंट करने परेशानी आ रही है, तो सबका सॉल्यूशन आज के वीडियो में है। वीडियो को लास्ट तक देखें, आपके मन में जो भी डाउट है सबका सॉल्यूशन इस वीडियो में है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं कुणाल गौतम एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने चैनल कुणाल गौतम डिजिटल पर वेलकम करता हूं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटे के बटन को प्रेस कर दे ताकि बैंकिंग रिलेटेड सारा अपडेट सबसे पहले आपके पास आता रहे और घर बैठे आप बैंकिंग सीखते रहे। दोस्तों, अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि अपने खाता को एक बैंक से दूसरे बैंकों में कैसे ट्रांसफर करते हैं। उसके लिए आपके पास एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए और आपके पास एटीएम होना चाहिए। अगर आपके पास पहले से मोबाइल में मोबाइल बैंकिंग अगर इंस्टॉल है तो ठीक है, अगर नहीं है, इस चैनल पे मोबाइल बैंकिंग कैसे रजिस्ट्रेशन करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको देख के आप मोबाइल बैंकिंग चालू कर ले और उसके द्वारा हम लोग खाता को अपने बैंकों में ट्रांसफर कर सकते हैं जिस भी बैंक में चाहे। तो आपके पास मोबाइल में मोबाइल बैंकिंग होना चाहिए जिससे हम लोग करेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आपका जो डाउट है एक डाउट को मैं सॉल्व कर दूं कि बहुत सारे व्यूअर्स से ये डिमांड आ रहा था, क्वेश्चन भी था कि सर, जब हम लोग एक बैंक से दूसरे बैंकों में ट्रांसफर करते हैं तो क्या हमारा अकाउंट नंबर भी चेंज होता है। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अकाउंट नंबर जो है, जो आपका एक बार बन गया, वो पूरे बैंकों में सब जगह एक ही रहता है। तो आज के वीडियो में जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट है आपका, जो जिस भी बैंक में अकाउंट खुला तो अकाउंट नंबर आपका वही रहेगा, चेंज होगा तो सिर्फ आपका IFSC कोड चेंज होता है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कैसे ट्रांसफर करते हैं। अपने मोबाइल में एम कनेक्ट प्लस मोबाइल बैंकिंग खोलना है, उसमें आपको लॉगिन करना है 4 अंकों के एप्लीकेशन पासवर्ड के साथ। उसके बाद कुछ इस तरह का सरफेस आपका ओपन होगा जिसमें सबसे नीचे रिक्वेस्ट सर्विस है, उसमें जाना है। अगले पेज में आपको सबसे नीचे आइएगा तो दिखा रिक्वेस्ट फॉर सेविंग अकाउंट ट्रांसफ़र, आप उस पर जाइए, उस पर टिक कीजिए। आगे बढ़ने के बाद आपका आपको अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट कीजिए जिस अकाउंट को आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। अकाउंट नंबर पसंद करने के बाद आपका जिस ब्रांच में अकाउंट है वो डिटेल दिख जाएगा। अब आपको नया ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए चूज पे टिक करना है। जैसे टिक करते हैं तो अगले पेज में आप जाइए जहाँ पर सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, किस स्टेट में अपने अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद वहाँ के सिटी को सेलेक्ट कर ले, किस सिटी में अब आपको करना है, जिस भी सिटी में करना चाहते हैं सबका ऑप्शन यहाँ पर है, उस सिटी को आप यहाँ पे पसंद करें। सिटी पसंद करने के बाद आपको उस पर टिक करना है, उसके बाद सर्च के बटन को प्रेस कर दें। उस सिटी में जितने भी ब्रांच रहते हैं सारा का डिटेल आ जाएगा और जो आपके घर के बगल में है उस एड्रेस वाले ब्रांच को आप सेलेक्ट कर ले, उस पर आपको टिक करना है। उसके बाद आपको वो ब्रांच का नाम आ गया। अब आपको देना है रीजन फॉर अकाउंट ट्रांसफ़र, रीजन किस रीजन से अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं फॉर एड्रेस चेंज या फॉर इमरजेंसी, जो भी आपको ज़रूरत है जो भी एग्जैक्ट रीजन आप डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आपका एड्रेस डिटेल वगैरह दिखेगा, उसको पसंद कर ले। सारा चीज़ सही रहने के बाद आपको नीचे आना है, प्रोसीड के बटन को प्रेस करना है। यहाँ पे आप ऊपर से नीचे अकाउंट नंबर सब मैच कर ले, कौन बैंक से किस में जा रहा है, कंफर्म के बटन को प्रेस करना है। आपको अपना यहाँ पे एम पिन डालना है जो कि 4 अंकों का होता है। मोबाइल बैंकिंग में पैसा ट्रांसफ़र करने के टाइम में जो पिन लगता है वही पिन आपको यहाँ पे डालना है। आगे जैसे बढ़ते हैं तो उसके देखिए इस तरह का रेफरेंस नंबर आता है, इस रेफरेंस नंबर को आप नोट करके कहीं रख ले या स्क्रीनशॉट आप दूसरे मोबाइल में ट्रांसफ़र करको पड़ेगा। जब आप नए ब्रांच में जाइएगा तो वहाँ आपको दिखाना पड़ेगा और अपना आधार कार्ड पैन कार्ड लेकर जाए, 30 दिन के अंदर में आपको वहाँ मिलना है तो आपका अकाउंट नए ब्रांच में ट्रांसफ़र हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रक्रिया है। तो नमस्कार, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके बताएं आपके मन में जो भी डाउट हो और आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते हुए
बैंकिंग सीखते रहिए, पैसा बनाते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। धन्यवाद।